गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त से। अपना लास्ट डे दिल्ली के अंदर अपन निकलने तैयार है, दिल्ली से आगरा के लिए। आगरा जाके अपनी धन्नो उठानी जो है हमें। आज हमने सारी पैकिंग कर ली है। वैसे तो मैं लोडर गाड़ी चंचोया की वैगनर को बोलता था, आज लोडर गाड़ी बनी हुई इलेक्ट्रिक कार। मैं भी आपको चल के नीचे दिखाता हूँ। सारा सामान पूरा लोड कर दिया उसमें, अभी भी थोड़ा बहुत सामान बाकी है जो लोड करना है, क्योंकि अपन नई ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो भाई अपनी सारी तैयारी आगरा से है, तो चलो भाई निकलते हैं सीधा आगरा के लिए। चलो भाई बाय बाय कर दिया दिल्ली वाले घर को, और सामान वामान उठा के नीचे चल दिए हम। लास्ट बार इस व्यू को देख लो भाई, बहुत ब्यूटीफुल सा है, यादगार रहेगा। फिर काफी दिन तक इस व्यू पे नहीं आना हमने। बहुत ब्यूटीफुल है भाई, आज तो पूरा मौसम भी खुला हुआ, ठंडी ठंडी हल्की फुल्की हवा चल रही है और मौसम का तापमान ज्यादा गर्म नहीं है। चलो भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो लो भाई, मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और पूरा पैक्ड होके बैठा हूँ, बिल्कुल चिपक चिपक के। भाई मैं आपको बता दूँ, आज हम इलेक्ट्रिक कार लेके जा रहे हैं आगरा। इलेक्ट्रिक कार के लिए ना, मतलब एक बार में चार्ज करके 220 किलोमीटर के आसपास चलती है, पर हमारे में ना मतलब थोड़ा बहुत यूज कर ली थी कल रात में, 202 किलोमीटर बचे हैं और हम एसी ऑन करके जा रहे हैं। जब हम एसी ऑन करते हैं ना तो किलोमीटर्स और कम हो जाते हैं, तो अभी दिक्कत ही आने वाली है अपन को। बीच में एक ढूंढना है चार्जर और चार्जिंग भी करनी है इलेक्ट्रिक कार की। पूरी चीजें मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताता रहूंगा भाई। चलो भाई चलते हैं सफर पे आगरा तक इलेक्ट्रिक कार से। लो भाई चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भाई, बिल्कुल मिडवे से थोड़ा सा पीछे समझ लो, समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर पार कर लिए हैं हमने और 126 किलोमीटर अभी और बचे हैं आगरा पहुंचने में, अपने घर तक पहुंचने में। और भाई ईवी की परफॉर्मेंस अभी तक तो बहुत बढ़िया जा रही है भाई, बहुत स्मूथली जा रही है, पर अभी तक हमने इसे चार्ज नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं ये अभी और कितना जा सकती है और हमें अभी और कितना जाना है। अगर देखा जाए तो पूरा स्मूथली चलती रही और चार्जर तो अभी तक कोई भी नहीं मिला हमें। अभी आगे एक ढाबा बता रहे हैं, असली पप्पू ढाबा, जहाँ पर हमें चार्जिंग मिल जाएगी। और पता है क्या, हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, अगर चार्ज करने के लिए चेक करना हो तो गाड़ी को। और भाई इस गाड़ी के अंदर अभी 50% चार्जिंग और बची हुई है, 111 किलोमीटर बता रही है और चले जाएगी। पता है क्या, 111 ये बता रही होती है, जैसे हम एसी ऑन करते हैं ना तो ये और नीचे गिर जाता है। और हमें जाना है 124, और हमें यहाँ से जाना है 125 किलोमीटर और, मतलब अपने घर तक के लिए। तो ये समझ लो इसमें रेंज अभी कमी बता रही है। वैसे अगर बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक हुआ तो रीजनरेशन से वापस अपनी ये बैटरी चार्ज भी कर लेती है। इसके अंदर एक ऐसा फीचर्स है गाड़ी के अंदर जिससे अगर हम रीजनरेशन, ये बटन है, अगर इसे दबाएंगे, इसके अगर हम तीन बटन दबाते हैं तो वो देखो वहाँ पे तीन आ गए, तो ये अपने आप बैटरी चार्ज करती है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है ना तो ब्रेक लगते हैं, और ब्रेक लगने की वजह से अपने आप ही चार्ज करती रहती है गाड़ी को, तो और किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। पर अपन रिस्क नहीं लेने वाले हैं भाई, अपन बीच में आराम से चार्ज करेंगे इसे और फिर लेके जाएंगे आगरा, क्योंकि अपने साथ सुप्रीत दी भी है और रिस्क लेना सही भी नहीं रहेगा। तो अपन बीच में चार्ज कर लेंगे इसे आगरा से पहले पहले असली पप्पू ढाबा पे, वहाँ पे अपन चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक ऐप होता है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि खाली हैं, और कितने आगे ईवी चार्जर्स और आ रहे हैं किसी पे, अगर हम और भी चार्ज कर सकते हैं तो। वैसे सुप्रीति ने अभी चेक किया था तो वो बता रही थी कि भाई आगे चार्जर है और वो खाली भी है असली पप्पू पे, तो वहीं चलते हैं सीधा भाई। अभी वैसे तो अपन गुड़गांव वाले हाईवे से पूरा होकर आए हैं, गुड़गांव पलवल हाईवे जो है ना नया बना है, जो बिल्कुल खाली रहता है और बहुत स्मूथ है, उस हाईवे से आया है। थोड़ा टोल उस पर एक्स्ट्रा लगता है, पर एक बार आ रहा हूँ बहुत स्पीडली आ जाते हैं। बस एक ही ड्रॉबैक है उस रोड पे भाई, पूरे रास्ते में कहीं टॉयलेट नहीं था, हालत खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर आगे रुके हैं भाई अपनी हवेली पे, यहाँ टॉयलेट वॉयलेट अपन यूज कर लिया, अपन चलते हैं यहाँ से सीधा बिना कुछ खाए पिए असली ढाबे पे, क्योंकि वहां पर हमें चार्जिंग में लगने वाला टाइम, कितना टाइम लगता है चार्जिंग में फुल चार्ज करने में और कितने रुपए लगते हैं, वही चल के मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई चलते हैं भाई, आज थोड़ा ईवी के बारे में नॉलेज देते हैं आपको, और फिर घर पहुंच जाएंगे तो अपनी धन्नो को भी तो देखना है भाई। मुझे बहुत याद आ रही धन्नो की, बहुत टाइम हो गया उसे नहीं चलाया भाई, अपन चलाने वाले हैं इस बार धन्नो। चलो भाई अपन निकल लेंगे तैयार है असली पप्पू ढाबा के लिए, वहीं पे जाके रुकेंगे सीधा चार्जिंग के लिए, निकलते हैं। Yeah.
सुन लो भाई दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं असली पप्पू ढाबा पे और ये हमें एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पड़ता है गुड़गांव से। यहाँ पे चार्जिंग मिलती है, इसके बाद और भी जगह है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो चार्जिंग के लिए भाई, अगर आपको चार्जिंग करवानी है तो। लेकिन वैसे तो बहुत लोगों पर इलेक्ट्रिक कार नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मतलब इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं तो कितना फायदा होता है, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हो रहा है, घर वालों को भी हो रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए। आगे फ्यूचर में सब लोग धीमे धीमे इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे ना, तो इसलिए अब यहाँ पे ना ऐसा एक चार्जर है जो लगा हुआ है, देखो इन्हीं का एक ऐप होता है। वैसे अगर आपके पास ऐप ना हो तो आप ऑनलाइन लेके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, स्कैन करोगे और डाउनलोड हो जाएगा ऐप स्टूडियो से। और ये अभी चालू हो चुकी है, देखो चार्जिंग DC2 और DC1 उस साइड होगा, ठीक है। और ये है फास्ट पावर चार्जिंग। वैसे जैसे हमने घर से लिख लिया तो फुल चार्ज करके अगर लिख लें तो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 मिनट भी चार्ज करोगे तो आप आगरा तक जाने के लायक बैटरी हो जाती है। और एक एग्जांपल में देखा जाए कि हमारा खर्चा कितना पड़ रहा है अगर ईवी कार लेते हैं, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर अगर चलाते हैं तो मैं आपको बताऊँ मात्र मैक्सिमम कीस्टान के 200 या 250 तक का ही खर्चा पड़ता है दिल्ली टू आगरा के लिए ऑन इलेक्ट्रिक कार। तो इतनी सस्ती पड़ती है, अगर हम पेट्रोल यूज़ करें तो इसका समझ लो कम से कम 6-7 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, समवेयर अराउंड ये समझ लो 2000 रुपये के आसपास पेट्रोल खर्च हो जाता है, ठीक है। और उसका टोल वोल सब कुछ अलग। ईवी में आज हमें एक नई चीज़ और पता चली भाई, टोल ना सस्ता पड़ता है ईवी कार्ड्स में, मतलब 100-150 रुपये ईवी कार्ड्स के अंदर टोल्स भी सस्ते हैं। और भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ है भाई अभी तक की, मतलब ये अगर आपके पास गाड़ी है ना तो आपके खर्चे बहुत बच जाएंगे भाई, अनलिमिटेड बच जाएंगे। अगर आप घर में चार्ज करते हो, आगरा के अंदर यूनिट है 8 रुपये यूनिट, तो एग्जांपल समझ लो 160 रुपीज़ चार्जिंग लगती है फन टाइम, और उसके अंदर ये चल जाती है 220 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है भाई। अब चलते हैं अंदर असली पप्पू ढाबा पे, कुछ ना कुछ खाते हैं, उतनी देर में तो चार्ज हो ही जाएगी, 20-22 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है ये, चलो। और हाँ, 20-22 मिनट में जो काउंट कर रहा हूँ इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि हाफ तो ये ऑलरेडी चार्ज है, तो हाफ ही चार्ज होनी है, तो 20-22 मिनट में हाफ चार्ज हो जाएगी तो ये फुल हो जाएगी, हमें आगरा पहुँच जाएंगे, उसके बाद भी किलोमीटर्स बच जाएंगे। सो यहाँ पे आ चुके भाई पाव भाजी बढ़िया वाली, जब तक हम खाना खाएंगे तब तक अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। खाते हैं भाई अपने पाव भाजी बढ़िया तरीके से। लो भाई बढ़िया तरीके से पेट पूजा हो चुकी है और अपनी गाड़ी भी फुल चार्ज हो चुकी है। पर मैं आपको बता दूं भाई, जितना का हमने बचाया था ना, मतलब पैसे बचाए थे, उतने ही हमने अंदर खाने पीने में खर्च कर दिए हैं, तो कोई दुख नहीं है, चाहे डीजल से जाओ चाहे इलेक्ट्रिक से जाओ बराबर पड़ जाता है, बाकी अगर आप नहीं खाओगे तो बच जाएंगे। चलो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, आप निकलते हैं सीधा घर के लिए, होम स्वीट होम, घर की याद बहुत आ रही है, चलो चलते हैं। तो भाई NH2 पे लंबा लंबा जाम लग चुका है भाई, 10-10 किलोमीटर पूरा जाम है, और देख रहे हो ना गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही हैं बिल्कुल भी, हालत ख़राब हो चुकी है भाई, और हम फंस चुके हैं इस वक्त जाम में टोटली, पता नहीं कब तक निकलेंगे अब। लो भाई जाम तो खुल नहीं रहा है, लगभग 1 किलोमीटर में अपनी गाड़ी से आगे आ चुका हूँ जाम से, और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक जाम होगा ना बिल्कुल एंड वाला चौक, वहाँ जाके ना अभी ट्रैफिक पुलिस वाला काम करने वाला हूँ मैं, लोगों की गाड़ियाँ निकलवाऊंगा जल्दी जल्दी ताकि जाम जल्दी खुल जाए भाई और अपन घर पहुँच जाए। सो भाई जाम बड़ा खतरनाक है और यहाँ से ना रोड भी बंद हो चुकी है, इसके वजह से सारी गाड़ियों का ट्रैफिक इस रोड पे छोटी सी गलियों के अंदर जा रहा है और वहाँ मेन ट्रैफिक लग गया है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक जा चुके हैं, तो अब वहाँ से निकलना नामुमकिन करीब हो चुका है। सो ये वाली रोड पूरी जाम पैक्ड है, यहाँ से निकलने का नामुमकिन का हाल है। और मैं आपको बता दूँ अपनी गाड़ी भी इसी रोड पर है, हम हाईवे से नीचे उतर के आ गए थे, सोच रहे थे जल्दी पहुँच जाएंगे, नीचे वाली सर्विस लेन तो चल रही होगी, लेकिन सर्विस लेन ही पूरी अंदर से बंद है भाई, मोटा नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं यहाँ का रास्ता खुलवाने का और फिर निकलते हैं। देख के आपको समझ में आ रहा होगा असली ट्रैफिक लगा क्यों है, क्योंकि यहाँ जो सबसे आगे बस है ये फंस चुकी है और इसके बाद सारा ट्रैफिक फंस चुका है। ये बेसिकली छोटी एक सड़क थी जहाँ से सिर्फ कार जा सकती थी, पर बसें लग गई यहाँ पर आगे, तो पूरा रोड पैक्ड हो चुका है यहाँ पे। मैं करके बकरी करते करते सारी गाड़ी एक के पीछे एक लग गई, अब क्या हुआ मैं बकरी तो बन गए, अब आगे वाली बकरी फंस गई, सारी पीछे बकरियाँ फंसी हुई है, अब सब रो रहे हैं अपनी किस्मत को। सो भाई पुलिस भी आ चुकी है और ये बस को और ये ट्रक को निकालना नामुमकिन करीब है, ऊपर पूरे हाई टेंशन की लाइन है, अब समझ में नहीं आ रहा या तो इसे पीछे लेके जाया जाए
या फिर इसे साइड में दबाया जाए, क्योंकि आगे भी साइड में नहीं जा सकता है, तो बस अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पैक्ड हो चुका हाल। अब बेसिकली मैंने बड़ा वाला ट्रक को स्पेस दिलवाई है ताकि ये साइड में दब जाए, और जो वो बड़ा वाला ट्रक है ना उसको पीछे लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि रोड खुल जाए और बहुत सारे जो लोग जाम में फंसे वो निकल पाए। भाई लाओ लाओ और लाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बेसिकली एक ट्रक फंसा हुआ है, इसी के पीछे ये वाला ट्रक खड़ा हो जाएगा, और एक बड़ा ट्रक आ रहा है उसको और पीछे एडजस्ट कराना पड़ेगा मुझे, देखते हैं फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी। लो भाई ट्रक तो मैंने साइड में दबवा दिया, छोटी छोटी गाड़ियां निकलने लग गई हैं, आगे जाके ना फंसे, बैठते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं भाई घर के लिए। लो भाई आ चुका हूं मैं अपनी गाड़ी में आराम से, और अब निकलने लग गई है गाड़ियां। वो रहा सामने बड़ा वाला ट्रक जिसकी वजह से सारा जाम था, वो साइड में दब चुका है आराम से, और ये रास्ता खुल गया है। ये अलग ही खुशी है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूं, रास्ता खुलवाने की जेन्युइनली। सो फाइनली जो सबसे आगे बस थी ना फंसी वो निकल गई है भाई, और सारी रोड खुल चुकी है, हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, कुछ देरी बाद अपनी गाड़ी भी निकल जाएगी आराम से भाई, देख रहे लोगों की खुशी। सब बहुत खुश है इस वक्त। सो अगर देखा जाए तो हाईवे की रिपेयरमेंट चल रही है, और यहाँ पे नया पुल बन रहा है, इसकी वजह से सारा जाम लगा है बेसिकली। और अगर बड़ी गाड़ियाँ छोटी गलियों में नहीं जाती तो शायद छोटी गाड़ियाँ निकल जाती, वैसे गलियों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ये हाईवे रिपेयर्ड होता, पुल पूरा बना हुआ होता तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ की। लेकिन हाँ, अगर आप दिन के टाइम यहाँ से निकलोगे तो आपके साथ यही वाला इशू होने वाला है जो अपने साथ हुआ है अभी, तो रात में प्रेफर करना। मैं हमेशा इस रोड को रात में यूज़ करता था, तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, आज ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि NH2 ने दिक्कत दे दी हमें। चलो कोई नहीं, चलते हैं सीधा घर के लिए। लो भाई देख रहे हो ना खुशी, पूरी रोड खाली हो चुकी है, अब गाड़ी दौड़ रही है जेन्युइनली, देख रहे हो 60 की स्पीड पे है, अच्छी खासी खुली खुली रोड देख के दिल खुश हो रहा है भाई। पीछे पीछे सारा जाम था, आगे सारी रोड खुली हुई है, और ये लगभग सिर्फ 3 किलोमीटर का जाम था जिसके अंदर इतना ज्यादा परेशान हुए हम। लेकिन अगर आप मैप में देखते ना तो ये 3 की जगह 10 शो कर रहा था, वो बहुत ज्यादा बड़ा जाम था मैप के हिसाब से। वैसे अगर आप रोड पे देखो तो ज्यादा बड़ा जाम नहीं है, हो सकता है वो मैप के अंदर उस साइड का जाम भी शो कर रहा हो, उस साइड में पूरा जाम है। लो भाई हम पहुंच चुके हैं घर पे भाई, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे लग रहा था रात के 12 बजे तक पहुंचेंगे और हम टाइम से पहुंच गए। जैसे ही मैं घर में पहुंचा मुझे यहाँ कहीं भी धन्नो नजर नहीं आ रही थी, मैं बहुत टेंशन में आ गया, धन्नो गई गायब। फिर मैं सब में चिल्लाने लग गया, मेरी धन्नो कहाँ गई, मेरी धन्नो कहाँ गई, मेरी धन्नो, मैं बड़ी टेंशन में आ गया। फिर मैंने यहाँ ध्यान आके देखा, सब जगह कहीं धन्नो नजर नहीं आ रही थी, फिर अंधेरे में यहाँ मिट्टी के अंदर मुझे धन्नो नजर आई। हालत काफी ज्यादा बुरी है, कोई बात नहीं, सुबह आराम से उठाएंगे, अभी सामान वामान निकालते हैं गाड़ी से, खुशी बहुत मिल रही है, धन्नो सेफ है। मुझे लगा धन्नो को उठा ही ले गया कोई यार, हद है उसको, इतना निर्दयी आदमी था, धन्नो को भी नहीं छोड़ा उसने, कोई बात नहीं। चलो भाई गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग, ये टाइम है कोई गुड मॉर्निंग का, हद हो गई, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस हो गए। हेलो कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। चलो मैं सामान उतारता हूँ, फिर आपसे मिलता है। ये लो भाई सारा सामान वामान उठाते हैं गाड़ी से निकाल के बाहर। लो भाई सामान तो सारा आ चुका है अंदर घर के, पर दो पुराने पीछे जो मुझे बुला रहे थे बहुत देर से, इन दोनों से ही मिल लेते हैं। ओहो ओए होए 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 होए, ये अशोरा बच्चा, आहा 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 आहा, ऐ होए, अच्छा 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 अच्छा, क्या हो गया टूटू? बस 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 बस, परेशानी बना, बस 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 बस, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, पर ये तो सुविधा तेज उछलता है, इसे रोकना पड़ेगा पहले, रुक जा, ऐसे प्यार करना पड़ेगा इसे, अगर ये उछला तो ये सीधा काट खाएगा, ए नहीं तालिया नहीं, प्यार 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 प्यार, ये खतरनाक है, चेन भी तोड़ लेता अपनी। फोटो कैसा है मेरा बच्चा, कैसा है तू, कैसा है, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। जैसे फैमिली के सारे मेंबरों से मिलना जरूरी है, इन दोनों से भी मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पीछे बैठे बैठे सबको बैठने नहीं देते घर के अंदर। चलो भाई अब सब घर के अंदर आ चुके हैं, मेरे खोलने का भी टाइम हो चुका है। सो मैंने जस्ट अभी टोटो को जस्ट खोला ही था, और गलती से गेट खुला हुआ था, जो भैया आए थे उन्होंने गेट खोल दिया, और ये सीधा घर के बाहर भाग चुका था, और लकी इसे पकड़ के लेके आई अभी। तुझे कोई काट देता बाहर, तू इतना नन्ना मुन्ना सा है, फिर तू बच जाता है, बीमारी लग जाती तेरे को, चल अंदर। मैं सोच रहा था मैं बाद में इस पर लॉक लगा दूंगा, लेकिन एकदम से कोई आया और गेट खुल गया, उतनी देर में बेचारा भाग गया, इसको भी तो पूरा मौका चाहिए बाहर भागने का। चलो कोई नहीं इसका इंतजाम करते हैं, जब तक इसे आराम से खोलते हैं, और फिर यहाँ गेट पे ताला लगाते हैं, अगर कोई आएगा तो ताला खुलवाएगा,
तब तक हम टोटो को पकड़ लेंगे, बाहर नहीं जाना है। नहीं तो बाहर जाता है ना तो पता है क्या होता है, छोटा सा है ना तो जंगली कुत्ते काट देते हैं, फिर बीमार पड़ जाता है बहुत ज्यादा। सो भाई रात काफी ज्यादा हो चुकी है और सोने का टाइम भी हो चुका है। कल अपन को अपनी धन्नो भी सही करानी है और भाई काफी सारे काम भी करने हैं घर के। मतलब जो आपको पता है घर में ना अलमारी उलमारी बन रही है, फर्नीचर वर्नीचर आ रहा है, काफी चीजें हैं, तो आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट करके जाना भाई। और जल्दी अपन एक नई ट्रिप पे निकलने वाले हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।